नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। न्यूज 29 इंडिया की ओर से देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथी बार लगातार इंदौर शहर नंबर 1 आने पर आप सभी को बधाइयां। स्वच्छता के मामले में एक बार फिर देश भर में इंदौर का डंका बज गया है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आज घोषित किए गए परिणामों में भी इंदौर ने शानदार चौका मारा और एक बार फिर नंबर 1 के खिताब को अपने नाम कर लिया। शहर भर में जश्न भी मनाया जा रहा है क्योंकि इंदौर का यह कीर्तिमान भविष्य में कोई अन्य शहर नहीं बन पाया। आज रेसिडेंसी कोठी पर सांसद शंकर लालवानी ने खुशी जाहिर करी, साथ ही सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया और ढोल की थाप पर सांसद शंकर लालवानी सहित सभी झूम उठे। सब इंदौर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि स्वच्छता में हम नंबर 1 फिर से चौथी बार आए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले से जो आह्वान किया था, उस समय ऐसा लग रहा था लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से स्वच्छता का क्या आह्वान कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश ने उस आह्वान को साथ में लिया और हम इंदौर वासियों ने तो उसको प्रण में एक मिशन बनाया कि हम स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे। और मुझे कुछ बात की खुशी है कि पहले वर्ष हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ी और उसके बाद लोगों का साथ मिला, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इंदौर की जनता को जिन्होंने कि लगातार इसमें हमारी मदद की, इनमें हमारा साथ दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सफाई कर्मी मित्रों को जिनके कारण रात हो, दिन हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में, हर त्यौहार वार त्यौहार में उन्होंने लगातार इंदौर की सफाई की, उनको धन्यवाद। हमारे सभी सफाई मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय महापौर जी को, सभी पार्षदों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, और धन्यवाद सभी अधिकारियों को जिन्होंने पूरी टीम वर्क के साथ इस अभियान में लगाया। आज हमें चौथी बार ये सम्मान मिला है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह पूरे शहर की जनता में है, वो आज शाम को दिए जलाएगी, थाली बजाएगी, ताली बजाएगी और लोगों को उत्साहवर्धन करेगी। इसके साथ साथ कल सवेरे ये भी हमने आह्वान किया है कि शहर की जनता अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारे सफाई कर्मी जाते हैं, जो हमारे सफाई की गाड़ियां जाती है, उनका स्वागत करें, सम्मान करें, उनका उत्साहवर्धन करें। तो एक कार्यक्रम आज होगा जो दिए जलाएंगे, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और एक सवेरे अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि कोरोना के कारण हम बड़ा सामूहिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ सफाई कर्मी जाते हैं उनका वहाँ स्वागत और सम्मान करें। इसके अलावा ये जो सम्मान हमें मिला है, ये सम्मान हम इंदौर की जनता को देंगे। और कल नगर निगम द्वारा रविंद्र टेकरे में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें आमंत्रित लोग भी रहेंगे और हमारे सफाई मित्र भी उसमें रहेंगे, उनका भी कल कार्यक्रम है। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। मुझे लगता है कि इस उत्साह के साथ साथ मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम स्वच्छता के 5वें पायदान पर पहुँचने वाले हैं। उसका कार्यक्रम हमने रोड में बना दिया है और उसमें जनता की सहयोग की अपेक्षा है कि हम फिर से 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1, उनका सहयोग अपेक्षित है। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।